वहीं भाजपा नेत्री इमरती देवी ने लोकसभा चुनाव में जीत को लेकर बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा है कि लोकसभा चुनाव में ग्वालियर चंबल संभाग की सभी चारों सीटें भारतीय जनता पार्टी भारी अंतर से जीतेगी, कांग्रेस की अंचल से सफाई हो जाएगी। जब उनसे ये पूछा गया कि कांग्रेस ने भी अपनी जीत का दावा किया है तो पूर्व मंत्री इमरती देवी ने कहा कि कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव में भी कुछ इसी तरह के दावे किए थे, बाद में सारे दावे हवा में कहीं उड़ गए। साथ ही उन्होंने कहा कि भांडेर विधायक फूल सिंह बरैया यदि भिंड लोकसभा चुनाव में जीत हासिल करते हैं तो उनकी खाली सीट पर क्या वे चुनाव लड़ेंगी। इस सवाल पर इमरती देवी ने कहा कि वह हमेशा डबरा में रहना चाहती हैं, वह डबरा से ही चुनाव लड़ेंगी। चारों की चार कांग्रेस की सीटन की सफाई होगी, भारतीय जनता पार्टी की चार सीटें जीतेंगे हम। नहीं भजे क्या लग रही, हम जीतेंगे चारों की चार, भारतीय जनता पार्टी सीटें जीते। कांग्रेस तो विधानसभा में भी हवा में उड़ रही थी, अबे भी हवा में उड़ रही, उन्हें रोक थोड़ी सकता कोई, कैसे होते हैं। हम जीत के आएंगे फिर उड़ेंगे, वे झूठे उड़ते हैं। मैं डबरा से विधानसभा लड़ती हूँ और डबराई में रहूंगी, साथियों के साथ काम करूंगी, डबरा में मरूंगी, डबरा में जीऊंगी। नहीं बिल्कुल नहीं, डबरा उधर भी नेता है ना, उनको भी मौका मिलना चाहिए ना, मैं क्यों लड़ूं।